The cat has big paws and four legs. आपने just which animal की जगह पर the cat लिखना है, आगे has big paws and four legs as it is आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर थ्री है, who has a red hat and two legs? किसकी दो टांगे और लाल टोपी थी? द कोक. सिर्फ द कोक लिखना है, बाकी फिर हमारा एज इट इज आ जाएगा. द कोक हैज अ रेड हैट. पेज देखिए, पेज नंबर सिक्स. पेज नंबर सिक्स पर भी डेट एंड डे मेंशन करना है. और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर सिक्स पर आएगा, एंड टू लेग्स. ठीक है, आप लोगों ने वहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करनी, नेक्स्ट पेज पर इसका आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाई डिड द माउस केम होम कम होम. चूहा जो है वो घर वापस क्यों आ गया? ही वॉज टू स्मॉल टू गो अवे. वो बहुत छोटा था बाहर जाने के लिए, इसलिए वो घर वापस आ गया और ये बात उसे समझ आ गई थी. ही वॉज टू स्मॉल टू गो अवे. क्वेश्चन नंबर फाइव है, हु वॉज फेड अप. कौन उकता आ गया था? माउस उकता आ गया था ना अपने होल में रहता रहता. द लिटिल माउस वॉज फेड अप. छोटा चूहा उकता गया था, तंग आ गया था अपने घर में रहते रहते. हु हैज़ विंग्स. किसके पर थे? द कोक हैज़ विंग्स. मुर्गे के पर थे. क्लास बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं और कंप्लीट दी सेंटेंसेस करना है. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.